शकुंतला के तीन बेटे थे, मनीष, सनी और रवि। उनकी शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन अब तक उनकी तीनों बहुओं में से किसी को भी बच्चा नहीं हुआ था, जिस कारण शकुंतला देवी अपनी बहुओं से नाराज रहती थी। क्या करूं, सब पापड़ बेल कर देख लिए, लेकिन किसी भी बहू के पेट में बच्चा नहीं पड़ा। ना जाने भगवान ने ऐसी बांझ बहुएं मेरे ही नसीब में क्यों लिखी है। ऐसा सोचकर शकुंतला देवी अपनी तीनों बहुओं को आवाज लगाती है। अरे शालिनी, मालिनी और दामिनी, तीनों यहाँ आओ, कल मुहियो। तभी तीनों बहुएं दौड़ती हुई उसके पास आकर खड़ी हो जाती हैं। क्या हुआ सासू जी, क्या हो गया? माँ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत ठीक है, लगता है तुम तीनों की तबीयत खराब है, नसीब फोड़ दिए मेरे। इतने साल हो गए शादी करे हुए और अभी तक एक बच्चा होना तो दूर, चुईया तक पैदा नहीं की। ये चुईया मुईया हमसे ना पैदा हो सकती माँ जी, हम तो डायरेक्ट बच्चा पैदा करेंगे। वो हम कहाँ बताएं सासू जी, वो तो राम जी जाने। भगवान नहीं जाने बड़ी बहू, वो तो मैं जानूंगी तुम तीनों को। घर से निकाल कर अपने बेटों की दूसरी शादी करवाऊंगी मैं, दूसरी शादी, हाँ समझ लो। फिर शकुंतला देवी के कहने पर उसके तीनों बेटे अपनी बीवियों को रोज परेशान करने लगते हैं। अरे तू तो औरत के नाम पे धब्बा है धब्बा, एक बालक तक पैदा नहीं कर सकती तू। बालक पैदा करना मेरे हाथ में होता तो अब तक पूरी फौज तैयार कर देती, वो तो भगवान देगा तभी होवेगा ना। वही मालिनी का पति, तुम तीनों बहनें तो बांझ औरतें हो बांझ, तुमसे कोई बच्चा बच्चा पैदा नहीं होने वाला, समझी? अगर हम तीनों बांझ हैं, तो तुम तीनों भाई खुद ही बच्चा पैदा कर लो ना, हमें कहते क्यों हो। अरे चुप कर बांझ, मर्द मर्द होते हैं, मर्द बच्चे पैदा करने के लिए नहीं होते। वही दामिनी का पति, बस कुछ दिन और देख रहा हूँ, अगर अब भी बांझ बनी रही तो तेरे बाल पकड़कर घर से बाहर कर दूंगा मैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं जी, अगर आप हमको घर से निकाल दिए तो हमारी तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी ना, प्लीज ऐसा कभी ना करना। इस तरह तीनों बहुएं दुखी रहने लगती हैं। फिर एक दिन तीनों बाजार जाती हैं, जहां उन्हें उनकी माँ कमला मिल जाती है। वो उसे देखते ही रोने लगती है। बेटी तुम इस तरह से रो मत, तुम्हें जो भी दुख है मुझे खुल कर बताओ। माँ की ये पूछने पर उन्होंने अपनी माँ को सारी बात बता दी। इतना सुनते ही कमला बोली, बेटी तुम तीनों चिंता ना करो, मैं एक ऐसे बाबा को जानती हूँ जिसकी पुड़िया खाते ही बांझ से बांझ औरत माँ बन जाती है। अगले ही दिन कमला अपनी तीनों बेटियों को बाबा जी के आश्रम में लेकर जाती है। बाबा जी, सास और पति मेरी बेटियों को बांझ कहकर दुखी रखते हैं, कृपा करके इनके दुख का समाधान करिए। तभी बाबा जी उसे तीन पुड़िया देते हैं। अपनी बेटियों को ये पुड़िया दूध में घोलकर पिला दीजिए, बांझपन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और ये माँ भी बन जाएगी। बाबा जी से पुड़िया लेकर तीनों घर आ जाती हैं। और फिर रात को दूध के तीन गिलास लेकर तीनों ने उसमें एक एक पुड़िया घोल दी। लेकिन वो उस दूध को पीती इससे पहले ही उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ गया, और तभी उनके पति वहाँ पे आ गए। अरे यहाँ तो गरम गरम दूध रखा है। थकान के कारण पूरा शरीर दर्द हो रहा है और भूख भी बड़ी तेज लगी है। तो सोचते क्या हो, चलो ये दूध हम पी लेते हैं। फिर तीनों ने एक एक ग्लास उठाया और दूध पी लिया। और जैसे ही उनकी पत्नियों को ये पता चला तो वो बिल्कुल हैरान हो गई। अरे ये क्या हो गया, बाबा की पुड़िया तो हमारे पतियों के पेट में जा पहुंची, अब तो लगता है कि ये ही प्रेग्नेंट हो जाएंगे। हमारे पेट में ना सही, हमारे पतियों के पेट में बच्चा आएगा ही ना। ये तो चमत्कारी हो जाएगा बहन, भगवान करे ऐसा ही हो, तब इन्हें पता चलेगा कि बच्चा पैदा करना आम बात नहीं है। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये पुड़िया वाली बात तुम दोनों राजी रखना, अगर सासू माँ को पता चल गई तो मानो हमारी खटिया खड़ी कर देंगी। तुम सही कहती हो दीदी, हम ये बात सासू माँ से छुपा कर ही रखेंगे,
क्यों छोटी? हाँ मंजली। फिर कुछ महीनों के बाद तीनों पतियों के पेट बढ़ने लगे और उनके पेट में दर्द भी होने लगा। अरे मेरा पेट तो बड़ा ही होता जा रहा है और पेट में दर्द भी रहता है। ना जाने पेट में क्या घुस गया है। हे माँ, मेरे पेट में तो ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चा कूद फांद कर रहा है। तुम तीनों चिंता ना करो, मैं कल ही तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। शकुंतला उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाती है। आप तीनों पति नहीं बल्कि जादुई प्रेग्नेंट पति हो। मेरा मतलब ये है कि कोई चमत्कारी है कि आप तीनों माँ और बाप दोनों एक साथ बनने वाले हो। आप तीनों भाइयों के पेट में बच्चे पल रहे हैं। ये सुनकर शकुंतला बड़ी आश्चर्य में रह जाती है। हे राम, तूने ये कैसा गजब कर दिया। जिनके पेट में बच्चा देना था उनके पेट खाली हांडी जैसे पड़े हुए हैं और मेरे बेटे को पेट में बच्चा। अब क्या होगा माँ? मुझे जो काम बहुओं के लिए करना चाहिए था अब तुम लोगों के लिए करना होगा। कुछ दिनों के बाद तीनों पतियों के पेट इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि तीनों को घर के बाहर जाने में अब शर्म आने लगती है, जिसे देखकर दामिनी कहती है, माँ जी अब गोद भराई का समय आ गया है, अब हमारे पतियों की गोद भराई करवा दो। अगर तुम तीनों की यही सलाह है तो ये काम भी पूरा कर ही देते हैं। अब तो सच्ची मजा आ जाएगा सासू माँ। अगले दिन कमला अपने तीनों बेटों की गोद भराई की रस्म, इस मौके पर आस पड़ोस की औरतें तीनों भाइयों का खूब मजाक बनाती हैं। क्यों रे मनीष, रवि और सनी, पेट में बेबी है तो कैसा फील हो रहा है? अब तो पता चल गया होगा ना कि औरतों को बच्चा जन्म देने में कितनी दिक्कतें सहनी पड़ती हैं। असली दर्द तो डिलीवरी के टाइम पता चलेगा। अब धीरे धीरे तीनों बहुओं के पतियों ने और शकुंतला देवी भी अब चुपचाप सी रहने लगी। आपके लिए चिंता में रहने लगी है अम्मा जी, अब तो हम तीनों के पति प्रेग्नेंट हैं और घर में तीन नन्हे मुन्ने बालक आने वाले हैं। बस कर बहू, भगवान ने मेरे तीनों बेटों का मजाक बना दिया है और तुम तीनों उनकी चिंता और सेवा करने के बजाय हंस रही हो। इसमें हम क्या कर सकते हैं माँ जी, ये सब तो परमात्मा ने ही किया है ना। ऐसे ही कुछ समय बीत गया और अब शकुंतला जी के तीनों बेटों की डिलीवरी का समय आ जाता है। फिर शकुंतला उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है, जहां सभी लोग तीनों पति को बड़ी हैरानी से देख रहे होते हैं। आजकल तो औरतों वाला काम भी मर्द करने लगे हैं। इन बेचारों ने तो अपनी बीवियों को बच्चा पैदा करने से मुक्ति ही दे दी। बहुत प्यार करते होंगे बेचारे अपनी बीवियों से, उन्हें तकलीफ देना ही नहीं चाहते होंगे। वहीं हॉस्पिटल में तीनों भाइयों की अच्छे से डिलीवरी होती है और तीनों ने स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया। तुम तीनों हमें माफ कर दो। हाँ, अब हमें समझ में आ गया है कि बच्चे को जन्म देना कोई आम बात नहीं है। इसके लिए बहुत ही साहस चाहिए, इसमें बहुत दर्द होता है। ये हुई ना बात, अब आ गए आप तीनों लाइन पर। हमका नाज है आप सभी पर, बहुत ही प्यारे बालक पैदा किए हो। हाँ, अब तो माँ जी की गोद में तीन तीन बच्चे खेलेंगे। इस कभी ना भूलने वाली घटना से तीनों भाइयों को इस बात का एहसास हो जाता है कि जो काम औरतें करती हैं उसे पुरुष के लिए करना कितना मुश्किल हो सकता है। जिसके बाद तीनों ने अपनी पत्नियों को अपनी बराबरी का दर्जा देना शुरू किया। अच्छी लगी कहानी तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली कहानियों के नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। हम मिलेंगे आप सभी से अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।